एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। समर इज हियर एंड बाहर सब अब नॉर्मल कंडीशंस हो रही हैं, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं। यस यस, फाइनली बच्चे और पति घर से बाहर और थोड़े टाइम का मेंटल पीस। कोई हाउसवाइफ से पूछो कि कोरोना के टाइम पर उनकी लाइफ कैसी हो गई थी। बेबी, थकान हो रही है, एक कप चाय बना दो ना। बेबी, बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पकौड़े खाने का मन हो रहा है, बना दो ना। अरे मम्मी, पार्टी आ रही है। नो 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 नो। उफ मनहूस कोरोना, तू कब जाएगा और ये कब घर से निकलेंगे। क्या हुआ, रख दिया ना आपकी दुखती नस पर हाथ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, पर क्या करें। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हाँ, समर आ रहा है, सब ओपन हो रहा है, तो बहुत फीमेल्स को ऑफिस जाना होगा या कहीं ना कहीं बाहर जाना होगा किसी न किसी काम से। और हाँ, समर हॉलीडेज भी तो आ रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत लोग घूमने का भी प्लान बनाएंगे। पर क्या है ना कि इतने टाइम से अलमारी में बंद पड़े पड़े कई कुर्तीज पुरानी हो गई होंगी, या फिर आपके पास ऐसी कई कुर्तीज होंगी जिनकी कंडीशन तो अच्छी है पर वो या तो आउट ऑफ फैशन हो गई है या आप उन्हें पहनकर बोर हो गए होंगे। तो हम इस तरह की पुरानी कुर्तीज को एनहांस करके न्यू लुक दे सकते हैं और दोबारा पहन सकते हैं। तो आप थोड़ी बहुत नई कुर्तीज खरीदिए और थोड़े मेरे इन आइडियाज से अपनी पुरानी कुर्तीज को न्यू लुक दीजिए और अपना थोड़ा बहुत खर्चा बचाइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट आइडियाज टू रीयूज और एनहांस योर ओल्ड कुर्तीज। मान लीजिए आपके पास कोई व्हाइट कलर की या फिर कोई लाइटर शेड में पुरानी कुर्ती है और वो डाई हो सकती है, मतलब उनका फैब्रिक या तो कॉटन का या लिनन या फिर जॉर्जेट इस तरह का फैब्रिक है कि वो डाई हो सकता है। तो इंस्टेंट न्यू लुक के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह की कुर्तीज को एक ब्राइट न्यू कलर में डाई करवा लो, तो कुर्ती को एक इंस्टेंट फ्रेश लुक भी मिल जाएगा और वो भी कम खर्चे में। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई बॉटम्स है बट उसके साथ पहनने के लिए कोई अप्रोप्रिएट कुर्ती नहीं होती है, तो आप सोच रहे होंगे कि आप एक न्यू कुर्ती परचेज कर लें। तो क्यों ना आप अपनी कोई पुरानी कुर्ती को उस बॉटम के कलर के हिसाब से न्यू कलर में डाई करवा लें और वो भी कम खर्चे में, और आपको अपने बॉटम के साथ एक न्यू कुर्ती भी मिल जाएगी पहनने के लिए। अच्छा, क्या आपको पता है किस तरह के फैब्रिक्स डाई हो सकते हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और इनकेस अगर आपको नहीं मालूम है तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए, आई विल आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट, एक बहुत अमेजिंग आइडिया है ओल्ड अनारकली स्टाइल की कुर्तीज को रीयूज करने का। मेरी ये पुरानी अनारकली कुर्ती है, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉटन में कैजुअल अनारकली कुर्ती है तो आप क्या कर सकते हो कि उसको फ्रंट में से इधर सेंटर में से पूरा बॉटम तक आप कट कर सकते हो और एक फ्रंट ओपन स्टाइल की जैकेट बना सकते हो। फिर उस जैकेट को और सुंदर लुक देने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप टाई अप बना सकते हो, डोरी लगा सकते हो, और उस डोरी में बहुत प्रिटी से कोई टैसल्स लगा सकते हो। जैसे अगर आपके पास इस तरह के कोई मल्टी कलर्ड के पम्पम वाले शेल वाले टैसल्स हो, ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं, तो आप इस तरह से अपनी डोरी में ये टैसल्स लगा सकते हो, वो फ्रंट टाई अप बन जाएगा जैकेट में आपके, तो एक बहुत ही प्रिटी जैकेट भी बन जाएगा और ये टैसल से उसको लुक भी बहुत प्रिटी मिल जाएगा। इस तरह के फ्लेयर्ड फ्रंट ओपन स्टाइल के जैकेट्स आप कोई प्लेन कलर की कुर्ती के ऊपर पहन लो, या फिर आप जीन्स एंड प्लेन सॉलिड कलर के टॉप के ऊपर भी पहन सकते हो, बहुत ही अमेजिंग स्टाइलिश आउटफिट लुक क्रिएट हो जाएगा। मैंने ये पम्पम वाले टैसल्स डिजाइन कार्ट वेबसाइट से परचेज किए हैं, तो ये मैंने एक ही कॉस्ट में मुझे ये दो सेट मिले हैं टैसल्स के। तो अगर आपके पास कोई ऐसी पुरानी कुर्ती है जिसमें फ्रंट में यहाँ पे नेकलाइन पे बटन पट्टी से बनी हुई है, तो उसे एनहांस करने के लिए आप ये इस तरह से यहाँ पे बटन पट्टी पे भी ये कलरफुल आप ये पंप वाले टैसल्स लगा सकते हैं, तो आपकी कुर्ती को एक बहुत ही प्रिटी लुक मिल जाएगा, वो थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी, थोड़ा उसका लुक एनहांस हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपके पास स्ट्रेट पैटर्न की कोई कुर्ती है तो उसे भी आप इसी तरह से फ्रंट में सेंटर में से कट करके एक फ्रंट ओपन स्टाइल का जैकेट बना लो, और एक फिनिशिंग लुक देने के लिए, उसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए वहां पे आप पाइपिंग लगा सकते हो या फिर आप कोई लेस लगा सकते हो, तो बहुत ही स्मार्ट एक स्टाइलिश जैकेट रेडी हो जाएगा, और प्लेन कुर्तीज के साथ इस तरह के जैकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं।
अब अगर आपके पास कुछ इस तरह की पुरानी कुर्तीज हैं जो थोड़ी सी फैंसी हैं, मतलब हल्की सी पार्टी वेयर स्टाइल की कुर्तीज हैं और उनका जो कलर है वो भी बहुत ब्राइट एंड फ्रेश कलर है, तो ऐसे कुर्तीज में आप इस तरह की गोटा वाली लेस कुछ कुछ एरियाज में लगा सकते हो, जैसे कुर्ती के साइड स्लिट में और बॉटम में लगा दी, या फ्रंट में योक पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो जैसे ये पिक में है, या स्लीव्स में बॉटम पार्ट में भी लगा सकते हो, तो कुर्ती को एक बहुत प्रिटी न्यू ट्रेडिशनल लुक भी मिल जाएगा और वो थोड़ी पार्टी वेयर स्टाइल की भी हो जाएगी। और आप चाहे तो दुपट्टे पे भी इस तरह की गोटा वाली लेस लगा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई पेस्टल कलर की कुर्ती है तो उस पर आप इस तरह की क्रोशे वाली लेस लगा सकते हो। ये क्रोशे वाली लेस भी आप कुर्ती के साइड स्लिट्स में, बॉटम पार्ट में, नेकलाइन एरिया में, स्लीव्स में लगाकर कुर्ती को एक बहुत ही फ्रेश एंड न्यू लुक दे सकते हो। और आप चाहो तो अपनी कुर्ती के बॉटम्स में भी ये क्रोशे वाली लेस आप लगा सकते हो, जैसे मेरा ये एक कैजुअल प्लाजो पैंट्स है तो उसमें ये बॉटम में क्रोशे वाली लेस लगी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है ये प्लाजो पैंट्स। तो इसी तरह से आप भी अपने पुराने प्लाजो पैंट्स में भी ये क्रोशे वाली लेस लगा सकते हो और ओवरऑल एक बहुत ही प्रिटी कैजुअल आउटिंग वाला लुक क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों गोटा लेस एंड क्रोशे लेस मैंने डिजाइन कार्ट वेबसाइट से मंगाई है, सो गाइज डू चेक दिस वेबसाइट। डिजाइन कार्ट वेबसाइट पे बहुत अमेजिंग और ह्यूज कलेक्शन है फैब्रिक्स का और इस तरह के ट्रिमिंग्स का, मतलब लेसेस, बॉर्डर्स, टैसल्स, लटकन्स एक्सेट्रा। लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट लेटर। और अगर आप कुछ भी परचेज करें तो मेरा डिस्काउंट कोड अमिता क्रिएशंस 10 जरूर यूज करना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास ए लाइन पैटर्न की कोई पुरानी कुर्ती है और उसमें योक सेपरेशन है तो आप योक से स्टार्ट होते हुए कुर्ती के बॉटम तक साइड स्लिट दे दो और फिर उस साइड स्लिट को और अच्छा लुक देने के लिए आप उस पर कोई पाइपिंग लगा सकते हो या गोटा या लेस, इस तरह का कुछ भी आप लगाकर उसे और अच्छा लुक दे सकते हो। तो आपकी कुर्ती एक बहुत ही स्टाइलिश ट्रेंडी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस पिक की तरह, और फिर आप इसे एक स्ट्रेट स्टाइल पैंट्स के साथ आप पहनिए तो बहुत ही स्मार्ट स्टाइलिश लुक बन जाएगा आपकी कुर्ती का। नेक्स्ट, एक बहुत ही यूनिक क्वर्की तरीका है अपनी पुरानी कुर्ती को न्यू लुक देने के लिए। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और कुछ हटकर आउटफिट पहनना अच्छा लगता है तो आप रेडी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस यूज कर सकते हैं अपनी पुरानी कुर्तीज पर। जैसे अगर आपके पास कोई कॉलर वाली कुर्ती हो, मेरे पास एक्चुअली कॉलर वाली कुर्ती नहीं है तो मैं आपको ये अपने एक क्रॉप टॉप से समझाती हूँ। तो इसमें ये कॉलर है तो आप इस तरह के कॉलर्स पर ये फ्लोरल वाले पैचेस लगा सकते हो। ये मैंने डिजाइन कार्ड से ऑर्डर किए हैं, ये पर्ल वाले फ्लोरल पैचेस हैं तो बहुत ही प्रिटी हैं। तो आप इस तरह से अपने कॉलर्स पर कहीं पर भी प्लेस करके और ये पैचेस आप लगा सकते हो तो बहुत ही यूनिक लुक मिल जाएगा आपकी कुर्ती को। ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं, देखिए तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से पैचेस आप अपने कॉलर्स पर लगा सकते हैं कुर्ती के कॉलर्स, या फिर आप कुछ इस तरह का कोई क्वर्की सा पैच भी अपनी कुर्ती के यहाँ साइड में से लगा सकते हो। ये आउल वाला पैच है जो मैंने डिजाइन कार्ट वेबसाइट से परचेज किया है, इस पे ऑल ओवर ये कलरफुल बीड्स का वर्क हो रहा है तो ये बहुत ही प्रिटी पैच है। तो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक आइडिया है अपनी कुर्तीज को न्यू लुक देने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये पैच वाला आइडिया? इनफैक्ट इस तरह के जो क्वर्की पैचेस होते हैं आप अपनी कोई प्लेन टी शर्ट्स या शर्ट्स या ड्रेसेस पर भी लगा सकते हो। ये जैसे है ना, मैंने यहाँ पे इसको प्लेस करके रखा तो मेरी शर्ट पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स प्लेन है तो इस पे ये ब्राइट कलर का पैच बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल और सस्ता तरीका है अपनी पुरानी कुर्तीज को न्यू लुक देने का। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड या प्लेन बचे हुए फैब्रिक पीसेज हैं तो उन्हें आप अपनी पुरानी कुर्तीज में बॉटम में एज अ बॉर्डर यूज कर सकते हो, साइड पैनल वाला पैटर्न दे सकते हो, स्लीव्स में कॉन्ट्रास्ट में कफ्स देने हो तो वहां पे यूज कर लो, या कोई कॉन्ट्रास्ट में पफ स्लीव्स या फिर बेल शेप्ड स्लीव्स एक्सटेंड करके लगवानी हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है ये और कोई सिंपल सा टेलर भी ये काम करके दे देगा और इतना खर्चा भी नहीं आने वाला और आपकी कुर्ती को एक न्यू लुक भी मिल जाएगा। और आपको कुछ हटके क्रिएट करना हो तो आप कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में पॉकेट्स लगवा लो कुर्ती पर या कुछ पैच वर्क करवा लो कुछ इस पिक की तरह, काफी इंटरेस्टिंग लुक मिल जाएगा आपकी पुरानी कुर्तीज को। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपकी पुरानी कुर्तीज में कुछ फिटिंग इश्यूज हैं जैसे वो या तो लूज हो गई है या फिर टाइट हो गई है तो आप ऑल्ट्रेशन जरूर करवाना अगर उस कुर्ती में स्कोप है तो, क्योंकि अच्छी फिटिंग का कोई आउटफिट होगा तो वो आपके ओवरऑल लुक में बहुत मैटर करेगा। आउटफिट आप पर तभी अच्छा लगेगा जब उसकी फिटिंग आपकी बॉडी के हिसाब से होगी। नेक्स्ट, अगर आपको अपनी कुर्तीज को एक ग्लैमरस पार्टी वेयर लुक में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह के ये स्टोन्स लगा सकते हो। ये हॉट फिक्स स्टोन्स हैं
मैंने डिज़ाइन कार्ड से ऑर्डर किए हैं, तो ये इस तरह से काफ़ी सारे आते हैं, इसमें ग्राम्स में आते हैं ये, तो आप इस तरह के ये स्टोन्स हैं ये लगा सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे कटवर्क वाले स्टोन्स हैं और इनमें बहुत अच्छी सी शाइन है, तो ये एकदम आपके कुर्तीज़ को ग्लैमरस लुक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर आपकी कुर्ती में कॉलर है तो आप ये कॉलर पे लगा सकते हो, शोल्डर एरिया में भी आप इन स्टोन्स को लगा सकते हो, और ये हीट से लगते हैं। तो मैं आपको भी छोटा सा डेमो देती हूँ कि ये किस तरह से आप अपने आउटफिट पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको सारे स्टोन्स इस तरह से प्लेस करने हैं अपने जहाँ पर भी आपको लगाना है। जैसे आपको कॉलर पे लगाना है तो पूरे कॉलर को, अगर आपको फिल करना है या थोड़ा दूर दूर पे लगाना है तो आप इन स्टोन्स को इस तरह से प्लेस कर दो सीधी तरह से। जैसे ये स्टोन्स में एक साइड पे ये प्लेन है और उसका जो ऑपोजिट साइड है तो ये ऑपोजिट साइड पे कटवर्क हो रहा है, आप ये शाइन देख सकते हैं। तो हमें इसको ऑपोजिट जो उसका साइड है जो प्लेन है वो वाली साइड पे हमें प्लेस करना है फैब्रिक पे, क्योंकि इसमें एक्चुअली गम लगा हुआ है, तो जब हम हीट से इसको प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगा फैब्रिक पे, ठीक है। तो हमें इसे ऐसे प्लेस करना है। एक्चुअली ये साइज एक्चुअली थोड़ी छोटी आ गई है, इससे आप इसमें साइजेस अवेलेबल हैं तो आप इससे थोड़ा बड़ा साइज का स्टोन मंगा सकते हैं तो आपको थोड़ा लगाने में इजी होगा, वरना इसको क्या है कि ऐसे प्लेस करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा हार्डवर्क है, ठीक है। इस तरह से मैंने सबको इस तरह से सीधा कर दिया है। ओके, अब आयरन मेरी गर्म हो गई है तो मैं आयरन से इनको प्रेस करूंगी। तो ये अब मैं ये आयरन अच्छी गर्म हो गई है और इसको मैं अब इनके ऊपर ऐसे प्रेस करूंगी। तो आपको इसको थोड़ी देर इनको प्रेस करके रखना है तो वो हीट से गम पिघल के और वो कपड़े पे चिपक जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखिए ये अब सब चिपक गए हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नाउ दीज आर एक्चुअली हॉट सो यू नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, तो इसे ठंडा होने दे। पर ये सब चिपक गए, आप ये देखिए ये सब चिपक गए। तो इस तरह से स्टोन्स आपके फैब्रिक पे चिपक जाएंगे, तो आप इस तरह से इनसे अपने कॉलर्स को फिल कर सकते हैं, या आपको अपनी शर्ट की स्लीव्स हैं उन्हें फिल करना है तो आप उन्हें फिल कर सकते हैं इन स्टोन से। तो जब लाइट्स का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो ये बहुत ही ग्लिटरी सा इफेक्ट देंगे, आपका आउटफिट बहुत ग्लिटरी सा इफेक्ट देगा। और ये आप खुद घर पे कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत है इनको प्लेस करके और अच्छे से और सब चिपकाना। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको मेरे आइडियाज टिप्स हेल्पफुल लगे हो, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। और अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए कि आपको ये जितने भी मैंने आइडियाज बताए हैं या आपको प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि आप उन्हें यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो फॉर नाउ, बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।